हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। आज है मकर संक्रांति, तो आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घर में खुश होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और अपने घर में बहुत खुश हूँ। तो आपको मेरा फेस थोड़ा सोया सोया सा लग रहा होगा, क्योंकि आज के दिन क्या होता है ना, सो के उठते ही सबसे पहले नहाना होता है, तभी उसके बाद आपको कुछ खाने को या पीने को मिलेगा। तो इसीलिए सबसे पहले आज मैंने क्या किया, सो के उठते ही सबसे पहले मैंने नहाया है। और अब चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारे यहाँ मकर संक्रांति वाले दिन क्या क्या होता है और क्या क्या हम करते हैं। तब तक आप मेरे वीडियो में बने रहना। क्या करेगी इनका पंडित जी का जाएगा ये सब। और मकर संक्रांति वाले दिन जो हम खाते हैं वो है ये दही चूरा, जो कि मैं भी लेकर आ चुकी हूँ। और साथ में आप कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने आलू और गोभी की सब्जी ली है, जो कि मुझे बहुत यम्मी लगती है। जो लोग यूपी और बिहार से होंगे उनको पता होगा मकर संक्रांति वाले दिन दही चूरा खाया जाता है। तो गाइज, मैं हो चुकी हूँ रेडी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना रेडी क्यों हुई हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ डिकैथलॉन कुछ चीज़ें लेने के लिए, इसीलिए मैं इतना रेडी हुई हूँ। और मैंने पहना है ये सूट, जो कि ये मेरा नहीं है, मेरी सिस्टर का है। तो ये मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था, सोच रही थी रोज़ तो हम जीन्स वेयर करते रहते हैं, आज थोड़ा सूट वेयर कर लिया जाए। तो मैंने वेयर कर लिया है सूट और अब मैं जा रही हूँ डिकैथलॉन, वहाँ से कुछ चीज़ें लेकर आनी है। तो देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता है। तो चलो मेरे साथ। तो फाइनली हम डिकैथलॉन पहुँच चुके हैं, जो कि सुभाष नगर में है। और बाहर एक छोटे छोटे स्टॉल्स लगे थे, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। ड्रेसेस बहुत अच्छी थी, लेकिन हमको इधर उधर नज़र नहीं घुमानी थी, हमको अपना काम करने जाना था। तो चलो चलते हैं, एंटर लेते हैं डिकैथलॉन के अंदर। आपको इसकी एंट्री दो दो जगह से मिल जाएगी। तो मैंने यहाँ से एंट्री ली है, स्टार्टिंग मुझे बॉल दिखता है और भीड़ देख सकते हो आप कुछ इस तरीके से। संडे को वहाँ पर भीड़ थी, तो मैंने सबसे पहले ट्रॉली बैग लिया। ये इसके अंदर देखते हैं क्या क्या ले सकते हैं। ये बॉयज़ के लिए फ्लीच था, जो कि 600 का था, 599 का मान लो। और वहाँ पे बच्चे साइकिल चला रहा था। यहाँ पे क्या करते हैं ना, पेरेंट्स अपने बच्चे को छोड़ के चले जाते हैं, वो इन्जॉय करते हैं और पूरा मॉल घूमते रहते हैं। यहाँ वैसे इन्जॉय करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हो, स्पोर्ट्स की सारी चीज़ मिल जाएंगी। सब आप ट्राई कर सकते हो यहाँ पर, सब आप बहुत आराम से ट्राई करके देख सकते हो। ये गर्ल्स की फ्लीच थी, जो कि 299 से स्टार्ट होती है ब्लैक वाली, और जो पिंक वाली दिख रही है ये 599 की है, 600 का पड़ता है। और पता है इसका मैं लेके जा चुकी हूँ दो दो, आप देख सकते हो वहाँ पर 7 to 10 degree दिख रहा है। आप इतने ठंड में पहन सकते हो इसको, तो ये बहुत ही कंफर्टेबल रहता है पहनने में। तो मैं दो दो लेके गई हुई हूँ इसमें से। और एक ये जैकेट थी, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था, कलर वाइट था। अगर इसमें कलर ऑप्शन होता तो मैं शायद ले लेती, लेकिन वाइट कलर में जल्दी पहनती नहीं हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इस साइड में आप देखोगे तो ये सारे बॉयज़ कलेक्शन है, जितने भी हैं लेफ़्ट साइड में सारे बॉयज़ कलेक्शन हैं। और अगर हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे आपको जिम के जो सामान होते हैं, स्पोर्ट्स वेयर, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे जिम वेयर भी मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे बच्चा स्केटिंग करता हुआ, कितने अच्छी तरीके से स्केटिंग कर रहा है यार। ऐसा तो हम करेंगे ना मैं गिर जाऊँ, लेकिन बच्चा इंजॉय कर रहा है फुल। और यहाँ पे देख सकते हैं सारे जिम की चीज़ें हैं, ठीक है। आप ये देख सकते हो यहाँ पे, ये रॉप वगैरह सारी चीज़ें मिल रही थी यहाँ पे। मतलब बहुत अच्छा वाइब आ रहा था यहाँ पे आने के बाद, ऐसा लग रहा था कि वाह। और सब ट्राई कर सकते हो यार आप, मतलब आराम से फ्रीली ट्राई कर सकते हो बहुत देर तक। आप जब तक कम्फर्टेबल ना हो कि हाँ मुझे चीज़ लेनी है, तब तक आप ट्राई कर सकते हो वहाँ बैठ के। ऐसा कुछ भी नहीं कि वहाँ के लोग बोलते हो। और ये जैकेट देखी थी मैंने, जो कि वार्म थी और 999 की थी, अच्छी थी, लेकिन मुझे लेना नहीं था। और ये शूज़ है जो 600 का है, इसका प्राइस थोड़ा बढ़ गया है। जब मैंने लिया था, मेरे पास भी ये शूज़ है, तो मैंने 500 का लिया था, 499 का, बट अब इसका प्राइस बढ़ चुका है, ये 599 का हो चुका है। और ये टॉवल है, और ये बहुत अच्छा टॉवल है ये, मतलब गर्मियों में और अगर आप जिम जाते हैं, आपको बहुत स्वेटिंग होती है, उसके लिए बहुत अच्छा है ये। मतलब स्वेटिंग जो होती है बहुत अच्छे तरीके से सोक कर लेता है। ये 299 का था जो बड़ा साइज़ था वो, और इसका जो स्मॉल साइज़ था ये 199 का था। ये मेरे पास भी एक ब्लैक, और यहाँ पे एक कैप थी, ठीक थी, अच्छी लग रही थी, येलो कलर की थी, 499 की कैप थी, 499 की थी सॉरी। और आपको यहाँ पे किट सेक्शन भी मिल जाएगा, आप देख सकते हो, आप किट्स वेयर भी मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे थे, स्टाइलिश भी थे और वार्म भी थे। और ये था मसाजर, आपके अगर नेक में पेन होता है या हेड में भी पेन होता है तो ये वाइब्रेट करता है कुछ इस तरीके से। ये पोर्टेबल है, चार्जेबल है, आप इसको चार्ज करके अपने नेक पेन पे या फिर जहाँ पे भी आपको पेन हो बॉडी में,
आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये 999 का था बट अच्छा था, आप ले सकते हो। और अगर आगे चलते तो यहाँ पे गर्ल्स के स्पोर्ट्स ब्रा भी मिल जाएंगे आपको, आप यहाँ पे जाओ। स्पोर्ट्स ब्रा की तो कलेक्शन बहुत अच्छा अच्छा था यहाँ पे। और यहाँ पे ये आपको स्पोर्ट्स की चीज़ें मिल जाएंगी, बैडमिंटन हो गया, ये टेनिस टेबल हो गया, ये सॉक्स भी थे बॉयज़ के लिए जो वार्म रख रहे थे। टेनिस टेबल का पूरा सेट मिल जाएगा आपको। यहाँ पे प्राइजेस लगे हुए थे कितने कितने का है, सिंगल लो या डबल लो या पूरा सेट लो। और यहाँ पे साइकिल थी जो कि बच्चा जिद कर रहा था कि मम्मा मुझे साइकिल चलानी है, आपको मैंने इसकी वीडियो भी दिखाई थी अभी। और ये बॉल थे, बेसबॉल, बास्केटबॉल, सब तरीके की बॉल्स आपको मिल जाएंगी। ये 99 की बॉटल थी जो कि, और ये कुछ स्वेटर्स थे जो कि सेल में लगे हुए थे। फिर इसके बाद मैंने अपने आप सेल्फ चेकआउट किया। यहाँ पे आप अपने आप बिलिंग कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है कि आप काउंटर पे खड़ा होना पड़ेगा। बस तो शॉपिंग खत्म होती है, आपको वीडियो के